सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और अभी बज रहे हैं 11 और हम लोग अपने शूट पे जा रहे हैं। ये देखो, मैं जयमीन और अपना कैमरामैन आनंद। तो अभी हम लोग जाएंगे, मतलब अपन लोकेशन का ही रिवील करवाने, वहाँ पे ही जाके बताते हम लोग, वहाँ पे ही जाके बताते आपको। चलो अभी हम पहुंच चुके हैं कड़ाना डैम। लोकेशन देखो आप, और अभी ऊपर जाके दिखेगा रियल नजारा। और यहाँ पे हम शूट करने वाले हैं मेरे गाने राही का, और जो मेरा उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सब रिवील करूँ या नहीं करूँ मैं ब्लॉग में, मतलब मैं अभी सोचना पड़ेगा मेरे को कि कैसे कैसे रिवील करना है। ये देखो लोकेशन, ऊपर जाके आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं। हाँ भाई, ऊपर जाके पूरे सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे। और पीछे हमारे जयमीन भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या ये लोकेशन है। लुनावाड़ा के आसपास वाले लोगों ने तो देखी होगी, लेकिन हम अंदर जंगलों में जाके बहुत ही मस्त शूट करने वाला है। तो देखिए कड़ाना डैम लुनावाड़ा का, मतलब लुनावाड़ा से 30 किलोमीटर दूर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये मूर्ति की स्थापना हुई है अभी टाइम पहले हुई, लेकिन अभी उसका काम चालू है। किसकी है वो भी यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हमें भी पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादातर। लेकिन कड़ाना डैम एक बहुत ही मस्त जगह है, बीच में देखो आइलैंड जैसी जगह भी है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि 2030 तक तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है लोग रहने आ जाएंगे ब्रो, लेकिन पानी के डर से कोई नहीं आएगा शायद, पता नहीं अब क्या ही हो सकता है। लेकिन आप देखो लोकेशन क्या बोलता है ब्रो, वो बीच वाली जगह पे आइलैंड जैसे में लोग रहने आ सकते हैं क्या? वहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे लोग टूरिज्म ज्यादा हो जाए। हाँ, टूरिज्म हो जाए यहाँ से जाए ऐसा कुछ, लेकिन भाई पानी ज्यादा है इसमें, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही रहता है। और ये तो अभी तो कुछ नहीं है, जब पानी जब होता है ना यहाँ पे तो हाँ बहुत टाइम पहले कुछ दिखता ही नहीं है गाइस, और वो तो सब भर ही जाता है वहाँ पे, तो सभी वहाँ पे भी वो नया बना है ना दीवार जैसा कुछ। हाँ ब्रो, पहले नहीं था। तो गाइस ये हमारा कड़ाना डैम, और अभी मैं आईफोन में ही शूट करने वाला हूँ, तो मैं व्लॉग की क्लिप्स मतलब कम लूँगा व्लॉग। तो अभी हमारे मतलब बैटरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पूरे दिन अभी शूट करना है इसलिए। तो चलो अभी जाते आगे। तो गाइस अभी जंगलों में घूम रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे जंगल ही हमें रास्ता बना के जाना है, क्योंकि जंगलों में से घूमने के बाद का जो व्यू है वो बहुत ही मस्त है। मैं एक बार आया हुआ था तो मेरे को पता है। ये देखो ये पीछे गाइस आनंद और जयमीन आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब। तो अभी आप लोगों को मैं बहुत ही खतरनाक नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो रेडी रहो। 3 2 1 टाडा। देखो गाइस क्या ही नज़ारा है यहाँ पे, और वो देखो जयमीन भाई हमारे दिख रहे हैं। हाँ दिखे। तो अभी हम यहाँ पे शूट करने वाला है, ठीक है, अपने नए गाने राही का। अमेज़न का जंगल जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? अमेज़न का जंगल लग रहा है, जंगल। और ये देखो पीछे मस्त पेड़ वगैरह है। जंगल करने आ चुके हैं, जंगल में मंगल करेंगे, वीडियो शूट करेंगे। जंगल में दंगल करेंगे, दंगल करेंगे। नहीं लगाएंगे ब्रो आग पाग। वो देखो वहाँ पे एक बोट जा रही है, छोटी सी नाव है, वो बहुत ज्यादा ही दूर है, शायद ही दिख सकती है। देखो दिख रही है। क्या हुआ ब्रो, रख देना वहाँ पे ठंड में, वहाँ पे तो आराम से बैठ, हम लोग यहाँ पे वीडियो सारी क्लिप ले लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं अपन। हाँ सो गाइस अभी हमने शूट खत्म कर दिया यहाँ पे, और देखो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखो हमारे आनंद भाई, तो हमें वहाँ पे यहाँ के लोग भी मिले थे कुछ, जो यहाँ पे कड़ाना डैम में मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले थे। तो
तो यहाँ पे देखने आए थे उनके ग्रुप वालों के साथ। तो उन्होंने बताया है कि ये जो पहाड़ है ना, उसके पीछे एक गांव है जहाँ पे लोग नाव लेके ही जा सकते हैं, और वहाँ के लोग भी नाव लेके ही अपना आना जाना करते हैं। तो वहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर है, शिव जी का, देखो मेरे को क्या मिला है। तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, वो है ना, पानी जब कम हो ना तभी दिखता है, और पानी जब बढ़ता है ना तो वो पूरा अंदर पानी में चला जाता है। तो जब पानी कम होता है तो लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो देखते हैं, हम भी कभी ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो जाएंगे, अभी तो नहीं जा सकते, लेकिन अभी हम घर के और वापस लौट रहे हैं। जय श्री राम। गाइस वहाँ पे बंदर बैठे हैं, और ये नज़ारा देख सकते हो आप, 15-20 बंदर थे गाइस, 15-20 बंदर थे, और उसमें तीन हम। तो हमने अपने थोड़ा, मतलब वैसे तो कुछ नहीं करते, इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने ले रही थी ये डंडी, ले ली थी क्योंकि शायद कुछ हो और कोई बंदर ऐसा ख़राब हो तो कुछ कर सकता है हमें, पर वैसा कोई नहीं था। हम लोग आगे आ चुके हैं और अभी जाएंगे अपनी हायाबूजा की ओर, फिर अपनी हायाबूजा लेके निकलेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये एक मूर्ति है, यहाँ पे आदिवासी समाज के, ये कोई बड़े, मतलब जब लड़ाई हुई थी ब्रिटिश लोगों के बीच में 1947 या उसके आसपास, तो इनका बहुत ही अच्छा कुछ अंदर योगदान था। और वैसे मतलब नाम हमने पूछा था लेकिन हम भूल गए, एक अंकल से पूछा था, झारखंड के निवासी लेकिन यहाँ पे आके लड़े थे, ऐसा था, सब आदिवासियों के लिए लड़े थे और हमारे देश के लिए लड़े थे। और ये देखो नज़ारा, ये अभी लाए मूर्ति, इसका काम चल रहा है अभी, देख सकते हो आप। और यहाँ पे महादेव का मंदिर है, ये महादेव का मंदिर है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी 4:30 बज रहे हैं और 5 के आसपास घर पहुंच जाएंगे। सो गाइस अभी हमने गाड़ी बंद कर दी है क्योंकि ये पूरा ढलान है नीचे, तो पेट्रोल का भी बचाव हो रहा है और गाड़ी भी जा रही है, ऐसे मज़ा भी आ रहा है, हवा आ रही है ठंडी। और ये लोकेशन देखो आप, वहाँ पे यहाँ से भी पूरा डैम दिख रहा है, ये बहुत ही फेमस लोकेशन है, लोग यहाँ पे घूमने बहुत आते हैं। क्या हुआ जमीन भाई, कॉल आ गया शायद, देखो बताओ ये डैम भाई, जाना भाई वो बीच में देखो आइलैंड जैसा दिख रहा है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे चाय पीने आए थे और हमारे एक स्कूल की फ्रेंड मिल चुकी है, मनु करके। हाय ब्रो। हाय। तो ये बड़ौदा से आई हुई है और यहाँ पे अभी फोटो शूट करने आई है यहाँ पे। और मनु कैसी है? मस्त। परफेक्ट। और हम लोग आनंद और हम सब साथ में स्कूल में थे और अभी गाने वाने देखती है मनु। मनु मेरे गाने कैसे होते हैं? बेस्ट होते हैं, देखो मेरे गाने बेस्ट होते हैं, आप लोग सुनते रहना सब। तो अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे यहाँ पे, उसके बाद घर के और जाएंगे। क्या ये क्या गुजराती में बोल रहे हैं? देखो तो गाइस अभी चाय पी रहे हैं सब लोग। हाय गाइस, दोस्त मिल चुके हैं हमारे सारे यहाँ के और अभी मस्त चाय पी रहे हैं, फिर मैं निकलने वाला हूँ। ये लोग अभी ऊपर जा रहे हैं फोटो शूट करवाने। तो गाइस कल के व्लॉग में दिखाने का रह गया था कि ये दक्षर और उन लोगों की दुकान, क्योंकि कल हम यहाँ पे आए थे और ये लोग यहाँ पे नहीं थे तो हमारा व्लॉग नहीं बना था, लेकिन आज अभी यहाँ पे है अक्षर के भाई राजा भाई है, दक्षु भाई है, और अभी आनंद और मैं, और ये रुद्रपार। हाय ब्रो। हाय। ये रुद्रपार है और ये अक्षर के भाई राजा भाई। कैसे हो भाई? ठीक हो ना? चलो फटाके वटाके इस बार अच्छे से सब प्रमोशन करना है, फटाके प्रमोशन करना है ना भाई, महाकाल क्रैकर्स। तो गाइस फटाके वटाके यहाँ से ही लेने, और ये मेरे कुछ दोस्त आए ऊपर, ये मेरे दोस्तों से मिलोगे अभी आप, मेरे स्कूल के दोस्त आए उज्जवल भाई। हाय। तो ये उज्जवल भाई है, हम लोग साथ में जाते थे डीआर पटेल सर के ट्यूशन में, और ये दवे भाई जो हमारे बाबूलाल भाई के बाबूलाल सर के ट्यूशन में आते थे। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया ना। तो गाइस ये देखो अभी फटाके की दुकान यहाँ पे है पूरी, और ये हमारे भाई क्या लेने क्या आए हो आप, क्या लेने आए हो भाई? फटाके कौन से भाई? वो नाजी ले लो भाई, ये ले लो, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ही अच्छी है, अरे फटाका अच्छा है, स्काई शॉट लोगे भाई? तो गाइस यहाँ पे सब कुछ मिलता है, स्काई शॉट से लेके ऊपर नीचे सब फोड़ने वाली जगह भाई भाई। और देखो मैं इतना पागल इंसान हूँ ना, मैंने चप्पल ही उल्टे पहन लिए भाई, मैंने देख चप्पल उल्टे पहन के मैं
चला गया था अभी वहाँ पे बात करने। भाई कोई नहीं, ऐसा वैसा कुछ करना पड़ता है लोग। अरे मेरी चप्पल ही ऐसे ऐसे बोल देने का, कौन देखने वाला। क्या बोलता है भाई? हाय ब्रो, हाय बोल दे ब्रो, इधर आ, इधर आ ब्रो, इधर आ। अरे नहीं आ रहा है, देखो गाइस बहुत लोग डरते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी क्या ही करें। तो अभी मैं शूट खत्म करके आया अपना, और अभी यहाँ पे बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। और घर पे जाके फिर मैंने आराम से खाना पीना किया, और फिर अभी निकला हूँ। आनंद आनंद का मैसेज आया था कि निकलते बाहर, तो अभी निकले और अभी जा रहे हैं, घूमने जाएंगे वापस, और फिर वापस घर चले जाएंगे। तो मैंने उसके बाद कुछ बताया नहीं, क्योंकि घर पे जाके थोड़ा थका हुआ था, तो फिर खाना वाना खाया मैंने और ऐसा ही। तो कहाँ जा रहे हो भाई अभी? भाई नहीं, कहाँ जा रहे हो भाई? घर पे। क्यों भाई? चार्ज नहीं है मोबाइल, चार्जिंग नहीं है भाई। और ये देखो, ये मिले थे हमको ब्लॉग में। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये बंदा ब्लॉग में मिला था, पता है वो नील, वो गाड़ी चला था उसमें था। तो अभी थोड़ी सीरियस मैटर चल रही है इन लोगों की, सीरियस मैटर है ना भाई। तेरे को दिखाऊं मैं? तेरे को दिखाऊं? दिखा मेरे को। ठीक है गाइस।